अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम मक्के से निकले हैं अरफात की तरफ, और ये जो रास्ता है पूरा मैंने आपको दिखाना है मक्के से अरफात तक। और ये इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया कि ये जो जितना भी जर्नी है ना यहाँ से अरफात तक, बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे हमने तो बहुत सुना था कि यार सऊदी अरब में इतना ग्रीनरी नहीं है, ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार कितना खूबसूरत है। और जितना ग्रीनरी मैंने वहाँ देखा ना सऊदी अरब में, तो मैं हैरान हो गया। अभी जब हम गए थे तो लोग कह रहे थे कि अभी इस साल बारिश ही हुई ना, तो इस वजह से ग्रीनरी ज़्यादा है। और जब अरफात हम गए वहाँ का तो माहौल बहुत ही आला था। तो एंड में मैंने पूरा अरफात और जो रास्ता है वो सब कुछ दिखाया मैंने। तो आप लोग वीडियो को देखें तो पता चल जाएगा कि यार कितना खूबसूरत जगह है। मुझे एक चीज़ यहाँ के बहुत पसंद आया कि यहाँ का जितना भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा, बहुत लेवल का बना हुआ है। मतलब बहुत पैसा इसके ऊपर खर्च किया गया है, और ये मुल्क भी अमीर है तो हर चीज़ बहुत मज़े का बनाया है, और सफाई बहुत ज़्यादा है। हम लोग अगर यहाँ के रोडों को देखें, माहौल को, तो बहुत मज़े का है जगह। और ये हम रास्ते में है, अब आगे ना हमने यहाँ खाने का बंदोबस्त किया। रास्ते में एक रेस्टोरेंट आया, उसे हमने खाना लिया, और फिर काफ़ी रास्ता है वैसे मक्के से। यहाँ हमने यू टर्न लिया, वो होटल भी जा रहे थे ना। और वैसे रास्ता मक्के से अरफात तक काफ़ी रास्ता है, और यहाँ रास्ते में एक रेस्टोरेंट है, इसमें हम गए और कुछ खाना शाना उठा के ना, फिर हमने ना रास्ते में खाना खा लिया। मौसम बहुत ज़बरदस्त था यार, फिर अरफात में बारिश भी हुआ, तो वो भी आप वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से हमने चावल चिकन वगैरह उठा लिए, और फिर होटल से जब हम निकले तो वो आगे हम गए कुछ रास्ता तय करके। उधर एक ब्रिज के नीचे हम बैठ गए खाना खा के, और बारिश भी हो रहा था। पूरे रास्ते पे जब हम मक्के से जब निकले तो मौसम बारिश होने वाला था, तो हम यहाँ बैठ के ना किसी जगह पे हमने खाना खा लिया। यार खाना खा के ना मेरे साथ ना दो तीन कज़न थे, और फिर जब हम निकले तो यहाँ पे बहुत अच्छा बारिश हुआ था यार, मौसम बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मौसम था। ये रोड आपको गीला गीला नज़र आ रहा होगा,
अभी ना अरफात के करीब ही हैं, लेकिन यहाँ ये ग्रीनरी आप देखें, खूबसूरत जगह है। और ये हम पहुँचने वाले हैं अरफात, और यहाँ पे ये सारे जो बसेस खड़े हैं इसमें लोग आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। अरफात ऐसे बहुत लोग आते हैं, मक्के से जितनी भी उम्र वाले आते हैं वो इधर चक्कर लगाते हैं। और हमने भी यहाँ गाड़ी पार्क माशाल्लाह, अरफात में खुशगवार बारिश हो रही है। सामने वाला अरफात है और बारिश शुरू हो गई है अभी। जबरदस्त फैंटास्टिक वेदर है यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उम्रा ज़ायरीन है, सारी इधर चक्कर लगाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये माउंटेन अरफात। हम वहां से जाएंगे ऊपर, चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। मैं तो कहाँ है, चल के आया हूँ भाई। हाँ मेरा भाई फाइनली पहुँच ही गई है। इधर इधर नहीं 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 सबर 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 सब नहीं नहीं ना ना जाओ जाओ अच्छा, ये अरफात माउंटेन है और ये है कि इसमें आप लोगों को पता नहीं है तो कयामत के दिन जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी काफिर है, मुसलमान है, जो भी है, उसका हिसाब किताब यहाँ पर होगा। ये अगर कोई आया नहीं है तो इस जगह को देख ले और अल्लाह ताला हमको हर इम्तिहान में पास करें, क्योंकि ये बहुत सख्त दिन होगा और यहाँ पे हर इंसान का हिसाब किताब होगा। और यहाँ से मैं आपको ये पूरा व्यू दिखाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरा नज़ारा ऐसे लग रहा है जैसे इस्लामाबाद, मोनाल से जो इस्लामाबाद नज़र आ रहा है ना उसी तरह है। ब्लैक टावर दिखाता हूँ, देख ये है मक्का मुकर्रमा, ये वॉच टावर है। और यहाँ से ये क्लॉक टावर नजर आ रहा था और ये मैंने आपको दिखाया। ये लोग देख इधर ये कर रहे हैं, इस चीज़ को टच कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं और पता नहीं इधर ये नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर लिखा हुआ है ऊपर कि भाई ये चीज़ें नहीं करना यहाँ और ये मना है, लेकिन फिर भी ये लोग ये काम करते हैं। तो जहाँ भी आप लोग जाएंगे वहाँ पहले किसी से पूछ लिया करो, फुल मालूम हासिल करके इसके बाद कोई भी अगर इबादत हो तो आप तो करना चाहिए।
भाई है। देखिए इस बंदे को, इसने इसके साथ हाथ लगाया है, माथा भी लगाया है, और बस दूसरे को देखो वो इसके साथ कपड़े को पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। और ये बिल्कुल बेदाग है, ये ठीक नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। मुस्लिम सबको पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर फिर भी किसी को पता नहीं है तो इसको चाहिए कि वो किससे पूछ ले, किसी आलिम से, किसी ऐसे बंदे से जिसको पता हो। तो ऐसे हरकतें जहाँ भी आप जाएंगे तो वो ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी यहाँ का जो अरफात का मनाजर थे सारे मैंने आपको दिखा दिए, और फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो एक मस्जिद नज़र आ रहा है यहाँ, मस्जिद नमरा, लेकिन बहुत दूर है। अगर करीब हम वहाँ आ गए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा यार, ये अरफात का जो जितना पॉसिबल था मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को दिखाया, और बारिश मुसलसल हो रहा था तो वीडियो भी सही नहीं बन रहा था, और हम अब वापस हो गए। ये जो एरिया है ना, ये भी अरफात का मतलब एक हिस्सा है, अरफात है ये बहुत खुला मैदान है। और ये हज के दौरान जब लोग आते हैं तो वो तो लाखों में लोग होते हैं ना, तो यहाँ पे वो फिर आके स्टे करता है। और ये बहुत बड़ा जगह है, वैसे इसी वीडियो में मैंने दिखाया भी है ऊपर से पहाड़ से पूरा के कितना बड़ा एरिया है। और हमने फिर वापसी करके ना मक्के की तरफ हम जा रहे हैं अब। और बस मुझे मक्के से अरफात तक का जो मतलब जितना भी हमारा सफ़र था और एरिया मैंने देखा और ग्रीनरी, बहुत मज़ा आया। और ऐसे खूबसूरत जगह है बहुत, या तो अभी मौसम ठीक था जब हम गए थे तो, और या वैसे हमेशा इस तरह खूबसूरत ही होंगे इसलिए। लेकिन मैंने तो लोगों से सुना था यार सऊदी में ग्रीनरी नहीं होता ये वो, लेकिन चलो ये छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।